everybody, welcome back. आज हम react करेंगे Black Widow का trailer. ये actually teaser trailer है. It's not complete trailer. Teaser trailer. Teaser trailer है. Teaser trailer? Yeah. Okay sir. Teaser भी trailer भी? Yeah. तो ये movie release होने वाली है April 30 को 2020 में. Almost like 5 months हैं. तो इन्होंने promotion शुरू कर दिया है. I was actually very excited to see के Black Widow character को ये कैसे आगे लेके जाते हैं. क्योंकि क्योंकि ये प्रीक्वल होने वाली है, दैट इज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड. तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के चले इस ट्रेलर को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक भी कर देना. चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को, टीजर ट्रेलर को, एंड रिएक्ट करते हैं. Wow, I didn't expect कि इतना अच्छा कर सकते हैं इस मूवी को, बिकॉज क्योंकि सिर्फ ब्लैक विडो है. हमने ब्लैक विडो को वी हैव सीन ऑलमोस्ट लाइक 2 आयरन मैन मूवी में देखा है, देन वी सॉ इन ऑल 4 एवेंजर्स मूवीज, एंड शी वॉज ऑल्सो देर इन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर. तो लास्ट ऑलमोस्ट 7 एवेंजर्स मूवी, शी वॉज इन एवेंजर्स एंड गेम लास्ट वॉट वी सॉ, राइट? या शी वॉज देर इन दैट. So we have seen her almost, you know, finally she's getting her own solo movie. I mean, after, I think she almost did 7 movies and then finally she got her own solo movie. Because fans were asking, she'll kick up, unko bhi movie milna chahiye. And truly deserving, see, it looks so amazing. And it's so nice to see that they are also highlighting the feminine figures. Yeah. Kya bolte hain? Superheroes in female. Yeah, females. So, I mean, this is not new first, one actually. First aaya tha, kaun sa hai wo? Wonder Woman. Wonder Woman aaya tha, and then I think hers. Aur isse pe, isse pehle wo aur ek ek aaya tha. Can you recall? Okay, it's Captain Marvel. No, Captain Marvel. नहीं, लेडी का कैप्टन मार्वल, शी इज कैप्टन मार्वल. वो यहाँ पे ऐसे, हाँ, वो जो पूरा फायर का सब पूरा शील ग्लो, राइट? कैप्टन मार्वल, नॉट कैप्टन अमेरिका, शी इज कैप्टन मार्वल. शी इज ओके कैप्टन. ओके, आई वाज थिंकिंग कैप्टन अमेरिका. या एनीवेज, काफी इंटरेस्टिंग है. द थिंग, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि दिस इज गोइंग टू बी प्रीक्वल, एंड सिंस वी ऑलरेडी सॉ कि शी वाज डेड इन एवेंजर्स एंड गेम. You saw that, right? Yeah. At the end, she goes and she will die, you know, for that soul stone. And so, वापस किसे आ रही है? हो नहीं सकता, because she is dead.
तो इसीलिए प्रीक्वल मूवी है एंड दे हैव ऑलरेडी कम्युनिकेट दिस इज गोइंग टू बी प्रीक्वल. प्रीक्वल मूवीज का हर एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि कितना बड़ा भी मूवी क्यों ना हो, स्टार वॉर्स हो या बहुत सारे मूवीज आगे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग ए प्रीक्वल राइट देर इज सम काइंड ऑफ लाइक कर्स है या क्या है पता नहीं, वो उतना नहीं चलते. बट आई रियली होप ये मूवी चले. इट शी इज लुकिंग अमेजिंग, इतने एफर्ट्स लग रहे हैं एंड द वे डायनेमिक इन दो बहनों का बहन, मिलने yeah, का जो स्टाइल दिखाया था, कितना अच्छा दिखाया था वो. Yeah, right? I mean, finally we got to see her sister and the family. She's not American. She's more of like she's more of a Russian. वहाँ पे उनको they actually make a weapon. वो सिर्फ लड़कियों को दे मेक अ वेपन. इसका जो झलक है ना वो दिस ट्राई टू शो इन द बिगिनिंग उसका. आई ट्राई टू फॉरगेट मैं पास्ट बोल रहे थे ना, दैट क्लिप वी हैड सीन इट इन एज ऑफ अल्ट्रॉन अवेंजर्स का पार्ट टू जो अवेंजर्स आया था उसमें इसके पास्ट के बारे में थोड़ा बता के इसका पास्ट इज नॉट गुड, इट्स वेरी काइंड ऑफ बहुत स्ट्रांग है उसके ऊपर. उसके ऊपर ही कंप्लीट भी मना सकते थे. वी हैड एक मूवी था जो रेड ऐसा कुछ था, आई टेल यू. तो उसमें क्या है कि लाइक इट दे विल ओनली फोकस ऑन दैट पार्ट वेर यू नो हाउ दे मेक अ वेपन एंड दे बेसिकली दे विल गो एंड दे किल वेर एवर द मशीन इज असाइंड. तो दैट इज व्हाट शी यूज्ड टू डू. देन यू नो समहाउ इसमें जो पार्ट है ना जो कि हॉक है ही सेव्स हर, तब से शी बिकम्स पार्ट ऑफ एवेंजर्स. तो एनीवेज काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स भी थे. एंडिंग में एक जो सीन था ना जो हीरो शॉट ऑफ दिस. एंड इज दिस कमिंग इन 3D? अगर 3D आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग्स मैंने देखे विच लुक्स अमेजिंग इन 3D. बट IMAX में आएगा. 3D नहीं है, whether it's 3D or not, even I didn't notice that. अगर 3D में आ रहा है तो बहुत सारे शॉट्स मैंने नोटिस किए, बहुत सारे. बट यू नो मुझे ऐसा लगा थोड़े शॉट्स थे, एक था वो ऊपर से गिरना. हाँ वो जो ऊपर से गिरना था ना वो दैट आई फेल्ट लाइक यू नो स्पाइडरमैन का वैसे ऑलरेडी सीन्स हैं तो उसमें से उन्होंने बनाया है. और एक था एक बंदा इसे इस तरह के आरो का एक करता है, आई फेल्ट लाइक इट्स लाइक GI जो दो मूवीज हैं नहीं देखे तो देखिए बहुत मस्त मूवी थे वो. तो आई फेल्ट लाइक GI Joe शॉट. अदरवाइज टोटली फ्रेश ट्रेलर, आई एंजॉयड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रेलर. तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टीजर ट्रेलर. ये टीजर ट्रेलर होता क्या है, ये ट्रेलर होता है या टीजर होता है? आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट राइट दे शोड पुरानी मूवीज का उठा के हाफ दिखा के हैं एंड देन इसका एक मिनट का दिखा के. पहली बार सुन रही हूं मैं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है टीजर ट्रेलर. अब ओके, अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को भी दबा देना. इसी के साथ यहां पे एंड करते हैं इस वीडियो को. बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.